Ready to Hi. get married? Yeah. I am now. कुछ ऐसे टाइप के इमोशंस आ रहे हैं। नहीं, आई थिंक आई एम ऑल सेट बिकॉज काफी टाइम हो गया यार, तो इट्स लाइक अब तो घर आई दो शादी। हाँ, बस अब करा दो, अब कोई टेंशन नहीं है. ऐसे इमोशन भी हो रही है कि घर छोड़ के जाना हाँ, है, मेरा रूम, आई मिस इट सो मच, तो वहां वाला ऐसे प्रिपेयर बट कर लिया। हाँ, बट आई एम गेटिंग अ बिगर एंड बेटर रूम. ग्रीडी। That's okay. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर वेडिंग। क्योंकि अब हम जा रहे हैं रिया दी की शादी के लिए, तेजस्विनी दी उर्फ रिया दी, उनकी शादी के लिए हम फिर से खजुराहो ही जा रहे हैं, आर फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग। तो अभी फ़िलहाल मेहंदी फंक्शन है जो कि रीवा से ही हो रहा है, तो अभी हम उसके लिए रेडी हुए हैं। मेहंदी के हिसाब से आउटफिट बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरे पास ग्रीन बिल्कुल कुछ था नहीं यहाँ पे, और मैंने मम्मा ने ट्विनिंग की हुई है। लेट मी शो यू हाउ शी लुक्स। क्या और कुछ रिया दी के लिए बोलेंगी? क्या हम बहुत प्यारी लड़की है, उसके लिए क्या बोले, जितना बोलेंगे उसके लिए कम है। वो हाँ। बहुत ही प्यारी लड़की है। और जीएस आपके लिए कुछ? वो भी भगवान ने बहुत अच्छी जोड़ी बना के रखी उन तो लोग के हम आप लिए। इमोशनल हो जाती हैं। शी इज वेरी स्वीट, शी इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन आई एवर मेट, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू रिया दी, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हमारी वेडिंग प्रिपरेशन पैकिंग की ऐसे चल रही है। मम्मा मजा आ रही है? बहुत ही गुस्सा लग रही, मजा खा रहे हैं जो ये है। उस लड़की भी खा के पूरे कपड़ा ये छोड़ो तो मेरी ये बैठ टू के अच्छी ये बैठ टू के ये से तैयार ही है। कितनी झूठी है, देख इतने कपड़ा है। अब गाइस मेरी बुराई हो रही है, मैं अभी बंद करती हूँ। रूम, क्विक रूम टूर करते हैं अपन। ये वॉशरूम है, कपबोर्ड, इससे पहले कि लगे जाके हम अपना रूम गंदा कर दें मैं रूम टूर करा देती हूँ। वी हैड वेरी लेस टाइम लेफ्ट फॉर लंच, तो हम जल्दी से लंच के लिए आ गए। आई थिंक एवरी वन इज डन विद देयर लंच थिंग, हम लेट हैं। लेट्स टेक अ मोमेंट एंड लुक एट अ ब्राइड। व्हाट इज हैपनिंग ब्राइड? वेरी वेरी टायर्ड, एक्सट्रीमली। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, देन व्हाई आर यू टायर्ड? बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, डांस प्रैक्टिस चल रही है ना मेरी। You tell me how my heart is pumping. And why? यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आई एम गेटिंग मैरिड। कब आई शो यू समथिंग? देखो, दिस इज माय संगीत स्टेज, ओ माय गॉड, मैं वहां परफॉर्म करने वाली हूँ। और ये दूल्हे राजा। और कुछ नहीं करना है। ठीक है चलो, ठीक है, बाय बाय बाय। फोन करना कुछ लगेगा तो। टरंट टरंट टरंट।
वापस लो, काफ़ी लेट एज यूजुअल. मतलब इट हैज़ बिकम अ रिचुअल कि मैं हूँ तो मैं ही तैयार करूँगी सबको. तो अब सबको तैयार करने के बाद अब मैं तैयार होंगी संगीत के लिए. लास्ट मोमेंट डिसाइड किया कि एक डांस मैं भी करूँगी रिया दी के साथ ही, तो उसकी अभी जस्ट प्रिपरेशन करके आए. और अब जल्दी से रेडी होके पहले मम्मा को किया, नानी साहब को किया, उसके बाद अभी रेडी होके खुद जाके एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है और फिर संगीत स्टार्ट होगा. मम्मा और नानी साहब रेडी हो गई. कोई मानेगा ही नहीं है नानी साहब है हमारे. I'm finally ready. अब जाएंगे नीचे संगीत के लिए. मम्मा नानी सब ऑलरेडी जा चुके हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डांस. बहुत बड़ी चोट हो गई मेरी, इयर रिंग्स मेरे कान में नहीं जा रही हैं. सो आई विल ट्राई कि आई जस्ट कवर दिस अप विद माई हेयर तो किसी का फोकस ही ना जाए. सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. हील्स पहननी बाकी है. Rest everything is good, I think. Achhi dikh rahi. This is so true. She's so caring. She's so damn caring. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी होने वाली वाइफ, of course she's Pune returns. इस शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा. कोशिश करूंगा उठने की. के बाद कि मेरी और रिया की लड़ाई के बाद सबसे पहले मैं झुकूंगा और उसे सॉरी कह के मनाऊंगा ये तो जेन्युइनली कर रहा हूँ. आपका एटीएम और पेटीएम सिर्फ और सिर्फ मेरे जिम्मे में रहेगा. बस और सारी परफॉर्मेंस वगैरह हो गई है. अब हम कहाँ जा रहे हैं? फोटो शूट करें. फोटो शूट प्लीज. रूम में चल रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है. एक्साइटमेंट लेवल रूम में चलेंगे, गर्मी लग रही है. क्या डिस्कवर किया? आप इसकी नानी है? नहीं, मौसी. अच्छा, तो क्यों नानी क्यों नहीं बना रही आरू? क्योंकि